समीर, तुम शायद भूल रहे हो कि मैं तुम्हारी बॉस हूँ और मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। देखो चेतना, मैं सब समझता हूँ। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। मैंने औरत के सिर्फ दो ही रूप देखे हैं, एक माँ का और दूसरा बीवी का। ठीक है, तो तीसरा रूप मैं दिखाती हूँ। मैं तुम्हारी नौकरी छोड़कर चला। समीर, 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 स्टॉप। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। बी रेडी मैम। माइक पोजीशन पे लो, माइक लो। स्टार्ट साउंड, स्टार्ट कैमरा। आज हमारे बीच मौजूद है मिस चेतना। दुबई के टॉप 10 बिजनेसमैन की लिस्ट में चेतना जी को पहली महिला होने का सम्मान मिला है। इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी कामयाबी काबिले तारीफ है। आइए जानते हैं चेतना जी से उनकी इस कामयाबी का राज और उनके जीवन के कुछ खास पहलू। चेतना जी, हमारे प्रोग्राम में आपका स्वागत है। थैंक यू। चेतना जी, आपने हमें सिर्फ 6 सवाल करने की इजाज़त दी, ऐसा क्यों? क्योंकि मुझसे कोई ज्यादा सवाल जवाब करे ये मुझे पसंद नहीं है। एक लिमिट के बाद मैं किसी को भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। चलिए, आपकी एक आदत तो पता चली। चेतना जी, सबसे पहले आप ये बताइए, आपकी इस बेमिसाल तरक्की का राज क्या है? मैं चीजों के पीछे तब तक भागती हूँ जब तक मैं उसे पा नहीं लेती। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज जो आपको मिल ही नहीं सकती तो? मेरी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल शब्द है ही नहीं। ये बताइए चेतना जी, हर कामयाब पुरुष के पीछे एक औरत होती है, क्या आपकी कामयाबी के पीछे कोई पुरुष है? किसी भी कामयाबी के पीछे अगर कोई चीज होती है तो उसकी कामयाबी की भूख। बाकी रही बात आदमी या औरत के आगे पीछे होने की, ये सब कुछ फालतू है, मैं इसे नहीं मानती। आपकी जिंदगी में पुरुष की इम्पोर्टेंस कितनी है? मेरी जिंदगी में पुरुषों की इम्पोर्टेंस सिर्फ उतनी है जितनी मुझे उनकी जरूरत है। चेतना जी, आप लाइफ में कितनी बड़ी बनना चाहती हैं? मेरा मतलब है कितना आगे जाना चाहती हैं? सिर्फ इतना कि जब मैं देखूं मेरे आगे कोई नजर ना आए। चेतना का कॉम्पिटिशन सिर्फ चेतना से हो। चेतना जी, अब आखिरी सवाल। ये आपका आखिरी सवाल था क्योंकि पहले आपने मुझसे ये सवाल पूछ लिया था कि मैंने 6 सवालों का जवाब देने की इजाज़त क्यों दी थी। पर वो तो सवाल नहीं था मैडम। पर पूछा तो सवाल की तरह ही गया था ना। थैंक यू एंड दैट्स चेतना। बैड न्यूज है। क्या हुआ रुबीना? हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के हेड मिस्टर मूर्ति हमारी कंपनी छोड़कर जा रहे हैं और वो मिस्टर मित्तल को ज्वाइन कर रहे हैं। ये मैं क्या सुन रही हूँ मिस्टर मूर्ति? 5 साल हमारी कंपनी में काम करने के बाद आप मित्तल को ज्वाइन कर रहे हैं? यस मैडम। अचानक हमारी कंपनी छोड़ने की वजह क्या है? मैडम, वहाँ हमको तमाम फैसिलिटी के साथ साथ बोले तो कंपनी का 2% शेयर भी मिलता जी। 2% शेयर के लिए 5 साल के रिश्ते को तोड़ेंगे आप? मैडम, अगर प्रोग्रेस करना बोले तो थोड़ा रूथलेस होना पड़ता है जी। वो क्या है, ये बात भी हम आपसे सीखा जी। ये सब तो आपने सीख लिया मिस्टर मूर्ति, मगर ये नहीं सीखा। ये सिग्नेचर्स आपके ही है ना मिस्टर मूर्ति? यस मैडम। पता है क्या, मेरी एक केमिकल कंपनी बेनाम चल रही है। कुछ दिन पहले सेफ्टी प्रोसीजर न फॉलो करने की वजह से 5 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस को वो कंपनी के मालिक की तलाश है। जानते हो उस कंपनी का मालिक कौन है? कौन मैडम? तुम। हम?
पर मैडम ये पेपर हमने कब साइन किया जी? जिस दिन तुमने ये कंपनी ज्वाइन की थी उस दिन। चाहो तो खुद ही देख लो। ये क्या गड़बड़ जी? आपको क्या लगता एक पेपर पे साइन लेके आप हमको बर्बाद कर देगा? हम आपको छोड़ेगा नहीं, नहीं छोड़ेगा हम आपको कोर्ट में लेके जाएगा जी। कोर्ट में खुद को बचाने के लिए तुम कितना खर्च करोगे मिस्टर मूर्ति? 5 लाख? मैं तुम्हें बर्बाद करने के लिए 5 करोड़ खर्च करूंगी और 5 करोड़ में कानून, जज, अदालत, पुलिस सब मेरी सुनेगी या तुम्हारी मिस्टर मूर्ति? नहीं मैडम प्लीज, आप ऐसा नहीं कर सकते जी। रुबीना सिक्योरिटी को बुलाओ और पुलिस कमिश्नर को फोन लगाओ। नहीं मैडम नहीं प्लीज, आप ऐसा नहीं करो जी। चेतना कुछ भी कर सकती है। आई एम सॉरी मैडम, आई एम वेरी सॉरी मैडम। यह कंपनी छोड़कर हम किधर भी नहीं जाएगा जी, किधर भी नहीं। गुड, हमारी कंपनी से तुम्हें क्या क्या फैसिलिटीज मिलती हैं? बंगला, कार और सैलरी 1 लाख दराम। रुबीना नोट किया जाए, आज से मिस्टर मूर्ति की सैलरी 50,000। मैडम कंपनी के बंगले की जगह कंपनी का क्वार्टर। नहीं मैडम नहीं। और गाड़ी की जगह कंपनी की बस प्रोवाइड की जाए। मैडम मैडम आप ऐसा नहीं करो जी, प्लीज प्लीज आप ऐसा नहीं करो। नाउ जस्ट गेट आउट। मिस्टर मित्तल, शॉक्ड हो गए मुझे देखकर। इंतजार तो था मिस्टर मूर्ति का और सामने आ गई चेतना। लोग तुम्हें बहुत बड़ा बिजनेसमैन समझते हैं ना, मगर हरकतें तुम औरतों जैसी करते हो। तुम्हें क्या लगता है मूर्ति जैसे 2-4 लोगों को तोड़कर तुम चेतना को खत्म कर दोगे? चेतना लोगों के बलबूते पर नहीं अपने बलबूते पर खड़ी हुई है। अगर मर्द होके अपनी कंपनी चला नहीं सकते तो अपनी कंपनी बेच दो। मैं खड़े खड़े तुम्हारी कंपनी खरीद लेती हूँ, 1 चेक पेमेंट। वरना तुम्हारी कंपनी की मैं ऐसी हालत करूंगी कि कौड़ियों के दाम भी नहीं बिकेगी, समझे? मित्तल साहब, वो इतना कुछ कह गई और आप खामोशी से सुनते रहे? इस लड़की का वक्त चल रहा है, आज अगर ये मिट्टी को भी हाथ लगाती तो सोना बन जाता है। और जिसका वक्त चल रहा हो ना सोलंकी, उसे लड़ना बेवकूफी है। अकलमंदी इसी में है कि अपने अच्छे वक्त और उसके बुरे वक्त का इंतजार किया जाए। मंगलसूत्र पहनाने से पहले वचन की विधि पूरी करनी होती है। मैं वचन बोलता हूँ, आप दोहराइए, कहिए कि मैं आज से तुम्हारी हर इच्छा पूर्ण करने का तुम्हें हर प्रकार से खुश रखने का वचन देता हूँ। इस घड़ी में तुम्हें अपनी जीवन संगनी स्वीकार करता हूँ। अभी आप बोलिए, कहिए कि मैं हर सुख दुख में ऊंच नीच में मैं आपका साथ निभाऊंगी। आपके इस मंगलसूत्र को स्वीकार करते हुए आजीवन इसकी मर्यादा का पालन करूंगी। अब मंगलसूत्र पहनाइए। प्रमाण के रूप में ये मंगलसूत्र तुम्हारे गले में डालता हूँ। अब सिंदूर डालिए। फेरों के लिए खड़े हो जाइए।
ए उठो 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 और सामान पैक करो अपना। मैंने कहा सामान पैक करो अपना, चलो चलो। लेकिन मैंने डर गई ना। यू आर सो लकी फॉर मी, मुझे दुबई की सबसे बड़ी कंपनी चेतना इंडस्ट्रीज में नौकरी मिल गई है और कल ही हम लोग दुबई जा रहे हैं। ये Hi. Good morning, sir. I have to meet Mr. Jackie. Second cabin on the right, please. Thank you. Okay. Come in. Hi, Mr. Jackie. You are Mr. Sameer, सही है ना? Sit, 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 sit. Actually, मेरा नाम जैकिशन है, लेकिन सब लोग मुझे जैकी बोलते हैं, सही है ना? आप बैंगलोर से आए ना? हाँ जी. सही है. आप यहाँ कितने साल से हैं? मैं बहुत बहुत साल हो गए, यही कोई 5 साल. यानी आप कंपनी और चेतना मैडम के बारे में काफी कुछ जानते हैं? कंपनी के बारे में सब कुछ सही सही जानता हूँ, लेकिन मैडम चेतना के बारे में कुछ भी सही नहीं जानता. क्यों? क्योंकि मैडम चेतना की हिस्ट्री पूरी मिस्ट्री है, कोई कुछ नहीं जानता. अच्छा. हाँ, एक लड़की है रूबीना नाम की, जो उनके साथ रहती है, जो उनकी पार्टनर है या उनकी सेक्रेटरी है, उनकी दोस्त है, जाने क्या क्या है. मुझे तो लगता है सब कुछ वही है, क्योंकि अगर दुबई में आपको बिजनेस करना है तो यहाँ का लोकल आदमी आपका पार्टनर होना ज़रूरी है. तो शायद रूबीना को ही मैडम की हिस्ट्री की मिस्ट्री सही सही पता होगी. लेकिन एक बात है, मैडम बहुत कड़क है, किसी की हिम्मत नहीं है उनके सामने बात करने की. खैर छोड़िए, मैं आपको ऑफिस के बाकी लोगों से मिलाता हूं और नई फाइल की तरह टेबल टू टेबल घुमाता हूं. आइए आइए मेरे साथ. चलिए आइए. ये हमारे सीनियर मैनेजर मिस्टर आर डी माथुर का केबिन है, हमेशा बंद रहता है. आइए 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 मेरे साथ. मिस दीप्ति शर्मा, ऑलवेज स्माइलिंग. कम 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 कम. आइए आइए. और मिस्टर प्रकाश वर्मा, वेरी सीरियस. आइए ये देखिए, इनसे मिलिए. मिस्टर जावेद खान, हेलो सर. हाउ यू? भावेश कुमार, हाय. मिस्टर मलिक, हाय. हाय मलिक. और दोस्तों, ये है हमारे नए मार्केटिंग ऑफिसर मिस्टर समीर. हाय. आइए आइए आइए. ओहो, और ये केबिन है हमारे रिसर्च ऑफिसर मिस्टर मूर्ति का. इनसे क्या मिलना, इनसे ना मिलना ही ठीक है. आइए 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 आइए. और ये रहा हमारा डाइनिंग टेबल, सही है ना? यहाँ आराम से बैठकर हाथों से खाना खाइए और आंखों से दुबई का नजारा कीजिए. देखिए कितना खूबसूरत है. तो ओ माय गॉड, चेतना मैडम, चेतना मैडम कहाँ जा रहे, कहाँ जा रहे? हेलो हेलो हेलो. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग चेतना, आई एम समीर, आज ही आपकी कंपनी ज्वाइन की है. गुड मॉर्निंग. सही है. क्या सही है? मैंने जब पहला गुड मॉर्निंग कहा था ना, तो मैडम ने उसका जवाब 1.5 साल के बाद दिया था. अच्छा? आज तो तुम्हारा पहला दिन है ना? हाँ जी. सही है. चेतना मैडम ने अचानक मीटिंग बुलाया जी. खड़े हो जाओ मैडम. आ गई. सिट डाउन. मैंने सुना है कि कुछ लोग चेतना इंडस्ट्रीज में काम करने के तौर तरीके से खुश नहीं है, इसलिए मैंने आज आप सब लोगों को बुलाया है ताकि इस प्रॉब्लम की वजह पता चल सके और इसके क्या सॉल्यूशंस हैं. मिस्टर माथुर, आप तो सबसे सीनियर मोस्ट हैं, आप बताइए प्रॉब्लम क्या लगती है आपको? मैडम मुझे क्या लगता है, मैं क्या सोच रहा था, मुझे क्या कहना है. नेक्स्ट मिस्टर मूर्ति. मैडम हमको लगता है कि हम लोगों को अपना इंसेंटिव बढ़ाना चाहिए. जैकी. मैम हमें एक टीम ऑफ ऑफिसर रखना चाहिए जो लोगों से मिलकर उनके प्रॉब्लम को समझा सके और उस टीम का मैनेजर. नेक्स्ट मैडम, व्हाट माय सजेशन इज. जस्ट शट अप, मैं यहाँ पे सजेशन सुनने नहीं, सॉल्यूशन सुनने आई हूँ. अगर आप लोगों के पास सॉल्यूशंस नहीं है, सो लेट्स फिनिश दिस मीटिंग देन. एक्सक्यूज मी, क्या कर रहा है? Yes. मेरे पास एक सलूशन है. सबसे पहले आपको अपने आप को बदलना होगा. आज दुनिया बदल चुकी है, लोग मालिक नौकर बनकर नहीं बल्कि दोस्त बनकर काम करना पसंद करते हैं. मुझे आपकी कंपनी ज्वाइन किए हुए 5 घंटे भी नहीं हुए और पता चल गया
कि आपका स्टाफ आपसे कितना डरता है। ये जैकी बता रहा था कि डेढ़ साल बाद आपने उसकी गुड मॉर्निंग का जवाब दिया। अबे अबे मेरा नाम क्यों ले रहा है? क्यों, इतनी दूरी किस लिए? बैंगलोर की एक कंपनी का बॉस महीने में एक बार अपने वर्कर्स के लिए खाना बनाता है। यूएस बेस्ड साइबेक्स का बॉस महीने में एक बार अपने वर्कर्स को पिकनिक के लिए लेकर जाता है। उनकी तरक्की का राज यही है कि वहां किसी को गुड मॉर्निंग का जवाब डेढ़ साल बाद नहीं मिलता। समीर को हमारी कंपनी की प्रोफाइल, एड और प्रोडक्ट की वीडियो क्लिपिंग स्क्रीन पर दिखा दो। यस मैडम, ओके मैडम। ओ यार, मुझे तो 4 साल बाद चेतना इंडस्ट्रीज का वीडियो क्लिपिंग देखने को मिला था। तुझे तो पहले दिन मिल गया, मुबारक हो, कांग्रेचुलेशन। समीर, यू आर टैलेंटेड, इंटेलिजेंट एंड फियरलेस। आई एम वेरी हैप्पी टू मीट यू। कंपनी में तुम जैसे लोगों की बहुत जरूरत है। तुम पहले आदमी हो जिसे कंपनी में पहले ही दिन प्रमोशन दी जा रही है। थैंक्स। कंपनी की तरफ से तुम्हें 3-बेडरूम अपार्टमेंट, कार और एक अलग कैबिन दिया जा रहा है। तुम्हारी सैलरी भी बढ़ाई जा रही है, लेकिन उसके पहले तुम्हें कुछ पेपर साइन करने पड़ेंगे। Sure. समीर, पेपर साइन करने से पहले पढ़ तो लो। जब आपने मुझ पर इतना ट्रस्ट दिखाया है, आई कैन ऑल्सो ट्रस्ट यू। यू नो वॉट, आई रियली लाइक इट। पहले दायां पैर। पिछले 2 महीने में चेतना इंडस्ट्रीज ने अप्रोक्सीमेटली 2.5% ग्रो किया। इट्स अमेजिंग। मैंने सुना है कि चेतना इंडस्ट्रीज में समीर नाम का कोई नया एग्जीक्यूटिव आया है। उसने कंपनी की तमाम पॉलिसी बदल दी, जिससे कंपनी को भारी फायदा हुआ। समीर, ये समीर कौन है? समीर चेतना की किस्मत का नया सितारा। देखते हैं। Wow, what a lovely place. हाँ, वाकई बहुत खूबसूरत है। मैं तो आज बहुत सारी शॉपिंग करूंगी। तुम्हारी जेब में पैसे हैं ना उतने? क्या बात कर रही हो बेबी, तुम्हारे लिए पैसों की कोई कमी है क्या? इतनी अच्छी नौकरी है, कोई कमी नहीं है। जो चाहिए वो खरीद लेना, ठीक है? आप इस तरफ चले या उधर? चलो उस तरफ चलते हैं। ठीक है, यहाँ तो हर चीज बहुत खूबसूरत है। ए मिस्टर, क्या देख रहे हो? बड़ी खूबसूरत लड़की है यहाँ पर तो। खूबसूरत नहीं है, कम कपड़े पहनी है इसलिए। अब चलो यहाँ से। क्यों जल रही हो? चलो। ब्यूटीफुल, इज़न्ट इट? लवली मॉल। हाँ चलो वहाँ चलते हैं। बड़ा ह्यूज मॉल मैन, ये तो जगह खत्म नहीं हो रही। समीर बिहेव, तुम्हारे साथ तुम्हारी बीवी है। तो मैं कौन सा दूसरों की बीवियां देख रहा हूँ यार, लड़कियां तो देख रहा हूँ। तो
तुम्हें कम कपड़ों वाली लड़कियाँ बहुत पसंद है ना? किसको नहीं पसंद? आओ। समीर तुम बिगड़ रहे हो। आस्था तुम जल रही हो। उन्होंने इतने कम कपड़े इसलिए पहने हैं ताकि हम जैसे हैंडसम लड़के उन्हें देख सकें, मजे ले सकें, और तुम जैसे घरेलू बीवियां उन्हें देख सकें और जल सकें। वाह, ये तो कुछ ज्यादा ही कमाल किया है। आस्था, 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 आस्था दरवाजा खोलो प्लीज। बेबी आई एम सॉरी, यू नो आई ओनली लव यू। मैं मजाक कर रहा था यार। आस्था, आस्था दरवाजा खोलो प्लीज, आई लव यू। आस्था ये क्या पहन रखा है? क्यों, ज्यादा है क्या? और कम कर दूं क्या? ओए, ये क्या कर रही हो? क्या हुआ? बस बस बस। लुक समीर, मैंने कॉलेज में हमेशा तुम्हें कम्पीट किया है। अगर तुम एमबीए में टॉपर थे तो मैं भी टॉपर थी। और आज भी मैं किसी के भी साथ कम्पीट कर सकती हूँ, उन्हीं की तरह और उन्हीं के स्टाइल में, समझे? हाँ बाबा हाँ। मेरी टॉपर बेबी, यू आर द बेस्ट। वाओ। जानू, आई एम मिसिंग यू। समीर, तुम्हारी वाइफ का एसएमएस आया है, वो तुम्हें जानू कह के बुलाती है। कमाल है, तुम्हें ऑफिस आए हुए 1.5 घंटे भी नहीं हुए एंड शी इज ऑलरेडी मिसिंग यू। वेल, आई मिस हर टू। वो क्या है कि हमारा दुबई में एक दूसरे को छोड़कर है ही कौन, so I guess we miss each other. ये तो कमाल है। तुम आज शाम को उसके साथ मेरे घर पे डिनर पे क्यों नहीं आते? Oh, that'd be nice. Yeah? She'll like it too. वो बहुत खुश होगी। I'll just inform her. Excuse me. मैं उसे अभी बताता हूँ। चेतना, I am shocked. तुमने कंपनी के किसी एग्जीक्यूटिव को पहली बार अपने घर पर बुलाया है। हाँ रुबीना, मैं देखना चाहती हूँ उस औरत में ऐसी क्या खास बात है जो इतने समझदार आदमी को इतना लाचार बना दिया है। बेबी, आज तुम बहुत सेक्सी लग रही हो। क्यों, पहली बार देख रहे हो क्या? नहीं, आज कुछ ज्यादा ही सेक्सी लग रही हो बेबी। तुम्हारी चेतना मैडम ने डिनर पर बुलाया है तो तैयार तो होना ही पड़ेगा।
अभी डिनर में तो बहुत टाइम है, एक काम करते हैं थोड़ा रोमांस कर लेते हैं। समीर प्लीज, सारा दिन ऑफिस में तुम्हें याद करता रहता हूँ, घर आकर तुम्हें ऐसे देखूंगा, नहीं रोमांस तो करना ही पड़ेगा। चेतना, मीट माय वाइफ आस्था। हाय। तुम्हें देखकर पता चल रहा है कि समीर तुम्हारा इतना दीवाना क्यों है। लव मैरिज? यस। प्लीज सिट। यप, सिट आस्था। डू यू बिलीव इन लव? ऑफ कोर्स, प्यार है तो जहान है। और आप? मेरा मानना है कि दुनिया में प्यार है ही नहीं, सिर्फ जरूरत है। रिश्तों का कोई मतलब नहीं, सब जरूरत के रिश्ते हैं। Am I right? अपना अपना सोचने का तरीका है, ना आप गलत हो और ना मैं। ड्रिंक? नहीं, मैं पीती नहीं। क्या बात कर रही हो, इतनी मॉडर्न और पढ़ी लिखी लड़की ड्रिंक नहीं करती? मॉडर्न होने का ये मतलब तो नहीं ना कि हम अपने संस्कार भूल जाएं? मैं तो ड्रिंक करती हूँ, तुम कह सकते हो कि मुझमें संस्कार नहीं है? I'm sorry, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। It's okay, मेरे कहने का भी ये मतलब नहीं था। Anyway, समीर तुम क्या लोगे? It's okay, मेरे सामने बीवी से डरने की जरूरत नहीं है। I'll have whiskey. चलो आस्था, आज तुम्हें हम दोनों की कंपनी में बोर होना पड़ेगा। No, it's okay. Cheers. समीर एक एक ड्रिंक ऐसे डरकर पी रहा था जैसे कोई गुनाह कर रहा हो। वाकई वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है। बीवी से प्यार इसलिए करता है क्योंकि बाहर उसने अभी तक कोई औरत देखी नहीं है। एक बार एक गरम औरत उसे मिल जाए तो वो मोम की तरह पिघल जाएगा। ये वैसा नहीं लगता। मर्द ऐसे वैसे नहीं, सिर्फ ते हैं। सामने गोश का टुकड़ा मिल जाए तो दुम मिलाते हुए देर नहीं लगती। इस समुद्र में तो बड़े बड़े जहाज डूब जाते हैं। समीर की औकात ही क्या है, वो तो एक छोटी सी कश्ती है। समीर के मामले में मैं ऐसा नहीं मानती। ठीक है, 10 दिन इंतजार करो, फिर बताती हूँ कि हर मर्द या नहीं। गुड मॉर्निंग चेतना। गुड मॉर्निंग, कम। ऑफिस में मुझे मैसेज मिला कि आपने मुझे यहाँ बुलाया है। हाँ, ये फाइल पढ़ लो, हमारा नया प्रोडक्ट जो लॉन्च हो रहा है उसके बारे में मार्केटिंग स्ट्रेटजी लिखी है। देखो तुम क्या कर सकते हो उसके बारे में। ओके। समीर, तुम वर्कआउट करते हो? हाँ चेतना, हफ्ते में 2-3 बार। तुम्हारी बॉडी देखकर तो लगता है कि तुम्हारे में बहुत एनर्जी है। तुम्हें मेरी बॉडी कैसी लगती है? इट्स नाइस। क्यों, इतना वर्कआउट करती हो फिर भी मुझे पता नहीं कि मेरी बॉडी कैसी लगती है? इट्स गुड। गुड? गुड नहीं, मुझे तो सेक्सी बॉडी चाहिए। तुम्हें क्या लगता है मेरी बॉडी कैसी है? इट्स नाइस। शर्मा रहे हो ना, मैं तुम्हारी बॉस हूँ इसलिए। बाय द वे, व्हाई डोंट यू ट्रेन मी? वो आजकल मैं खुद ही वर्कआउट नहीं कर रहा, सारा कंसंट्रेशन काम पर जो है। समीर, तुम्हारी ये बात मुझे बहुत पसंद आती है, तुम जो कुछ भी करते हो पूरे दिल से करते हो। यू आर अ कंप्लीट मैन। चेतना इंडस्ट्रीज में तुम्हारा फ्यूचर एकदम सिक्योर है। वेल थैंक्स बॉस, तो मैं चलूं? ठीक है, ये रिपोर्ट लेकर जाना और कल सुबह यहीं पर मुझे मिलना। वी विल डिस्कस देन। ओके, बाय बाय। गुड मॉर्निंग चेतना। गुड मॉर्निंग, ऑन टाइम। वेल चेतना, मैंने पूरी रिपोर्ट पढ़ ली है, कुछ चीज़ें मार्क की हैं और इम्पोर्टेंट नोट्स भी बना दिए हैं, आप ज़रा देख लीजिए। लेट मी सी। Thank you.
स्विमिंग करते हो? Well, कभी कभी. You want to join me? Thanks, I'm fine. You know what? मुझे ज्यादातर बिजनेस आइडियाज स्विमिंग करते हुए आते हैं. समीर, जिंदगी तो एक समंदर की तरह है. जो तैर कर निकल गया वो तो चला गया, और जो किनारे रह गया वो हाथ मलता रह गया. समीर, प्लीज हेल्प मी. याद रखना समीर, मोती दूर बैठकर नहीं बल्कि गहराई में डूबकर ही निकाला जाता है. इतना आपको सोचने में शायद वक्त लगेगा. मैं ऑफिस चलता हूँ और वहीं आपसे मिलता हूँ. क्यों, बहुत जल्दी में हो? आराम से बैठो ना. मैं लेटी हुई हूँ और तुम बैठ भी नहीं सकते. समीर, दुनिया शर्म से नहीं कर्म से जीती जाती है. आई थिंक यू शुड नो दैट. चेतना, मैं समझ गया आप मुझसे क्या कहना चाहती हैं. मैं आपसे ऑफिस में ही मिलता हूँ. ओके, बाय बाय. ये कोई दूसरी ही मिट्टी का बना है, ये तुम्हारे हाथ नहीं आने वाला. ये जितना शर्माता है नशा उतना ही बढ़ता जाता है. इसका कत्ल तो करना ही पड़ेगा. समीर, बहुत टायर्ड फील कर रही हूँ. देखो ना, ऑफिस का सारा स्टाफ भी चला गया है. क्यों ना एक एक ड्रिंक हो जाए. आई थिंक मैं भी घर चलूंगा, काफी टाइम हो गया. समीर, वन ड्रिंक प्लीज. ओके. थैंक यू. Bottoms up. Okay. Cheers. Sameer, आज मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा. मसाज करोगे प्लीज? Okay. समीर, क्यों ना दो चार दिनों के लिए हम कहीं बाहर चले. रेस्ट भी हो जाएगा और साथ साथ में हम नए प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन भी कर लेंगे. चेतना, ऑफिस का काम अगर ऑफिस में ही करें तो बेहतर रहेगा. समीर, तुम शायद भूल रहे हो कि मैं तुम्हारी बॉस हूँ और मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ. देखो चेतना, मैं सब समझता हूँ. मैं कोई बच्चा नहीं हूँ. मैंने औरत के सिर्फ दो ही रूप देखे हैं, एक माँ का और दूसरा बीवी का. ठीक है, तो तीसरा रूप मैं दिखाती हूँ. Come on, Chetna, Samir. Go away. Chetna. Come on. Chetna, no. This is not right. Chetna, no. Samir. Chetna, no. Chetna, no. Samir. Chetna, no. No, no. Samir. Chetna, what is this? Chetna, what is this? ये क्या कर रही हो तुम? Just go away. Samir. I'm just resigning your job now. मैं तुम्हारी नौकरी छोड़कर चला. समीर, 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 स्टॉप. समीर, समीर, स्टॉप. समीर, समीर, स्टॉप नाउ. समीर, हेलो. हेलो मैडम,
हाँ सिक्योरिटी, मेरे ऑफिस का एक स्टाफ मेंबर आ रहा है वहाँ पर, मिस्टर समीर, उसको फोन देना। मिस्टर समीर, यस, आपका फोन है। हेलो समीर, तुम जाना चाहते हो तो जाओ, मगर एक बात याद रखना, जब तुमने ऑफिस ज्वाइन किया था तब तुमने कुछ पेपर्स साइन किए थे, और उसमें से एक पेपर ऐसा भी है जो आज तुम्हें दुबई के जेल में पहुंचा सकता है। आई डोंट बिलीव दिस। समीर, तुम भूल रहे हो कि तुम्हारा पासपोर्ट और वीजा अभी भी मेरे पास है। अगर तुम्हारे पास एक मिनट का समय हो तो प्लीज ऊपर आओ, मैं तुम्हें वो पेपर्स भी दिखा दूं। What nonsense? ये क्या बकवास कर रही हो तुम? ये क्या, ये किस कंपनी का मालिक बना दिया मुझे? ये मेरी एक बेनाम कंपनी है। लास्ट वीक उस कंपनी में दो वर्कर्स की मौत हो गई। अभी तो वो कंपनी बंद है, लेकिन पुलिस कंपनी के मालिक को ढूंढ रही है। ओह शिट। अगर तुमने ये जॉब छोड़ दी तो मैं तुम्हारा नाम पुलिस को दे दूंगी और तुम सलाखों के पीछे चले जाओगे। और पता है क्या, तुम्हारी वो बेवकूफ बीवी दुबई के रोड्स की खाक छानेगी। इस अनजाने शहर में कोर्ट जाते जाते ना उसके पाँव में चप्पल रहेगी ना उसकी इज्जत बचेगी। मगर तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। All you need to do is compromise. What compromise? Give me a kiss. What? Don't waste my time, Samir. अपनी बीवी के बारे में सोचो and give me a kiss. तुमने मुझे बच्चा समझ रखा है? I will show you how to kiss. ओ समीर, ये तुम्हारे होठ पर क्या हुआ है? कुछ नहीं यार, वो ऑफिस में गिर गया था, जरा चोट। गिर गए? कैसे हो तुम, ठीक तो हो ना? और कहीं चोट तो नहीं लगी तुम्हें? I'm okay यार, जरा सी चोट लगी है। समीर, are you okay? Stop irritating me यार, I'm okay. समीर, relax, समीर, relax. तुम बैठो, मैं अभी आई मैं। समीर, कल तुम घर जल्दी आ जाना। क्यों, कल क्या है? कल करवा चौथ है। ओह आई एम सॉरी, मैं कल 6 बजे तक घर आ जाऊंगा। समीर, तुम कुछ परेशान से नजर आ रहे हो, सब ठीक तो है ना? सब ठीक ठाक है, तुम टेंशन मत लो, जस्ट काम का लोड है, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। समीर, आज ऑफिस से इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? चेतना, आज करवा चौथ है और मुझे 6 बजे तक घर पहुँचना है। समीर, 6 बजने में काफी वक्त है, चलो मेरे साथ, आई नीड टू डिस्कस समथिंग विद यू, ओके? कम। चेतना, हम कहाँ जा रहे हैं? समीर, तुम सवाल बहुत करते हो। तुमने क्या कहा था, आज करवा चौथ है, व्रत रखा है तुम्हारी बीवी ने, पता है क्या, व्रत रखा है तुम्हारी बीवी ने, मगर उपवास तोड़ूंगी मैं। हाय आस्था। समीर, तुम आ गए? I'm sorry, I'm late. समीर, कोई बात नहीं, मुझे पता है तुम जरूरी काम में अटक गए होगे, वरना तुम कभी लेट नहीं होते। चलो मैं अभी उपवास तोड़ देती हूँ। वेट, क्यों, क्या हुआ? मैं नहा के आता हूँ, बहुत पसीना आया हुआ है। वेट।
डार्लिंग, लंच फॉर यू। समीर, तुम्हें आज हुआ क्या है? ब्रेकफास्ट भी तुमने बनाया और अब ये लंच भी? आज तो तुम मुझे इस रूम से बाहर जाने ही नहीं दे रहे हो। डार्लिंग, आई वांट टू ट्रीट यू लाइक अ क्वीन। ओह, इसलिए ब्रेकफास्ट भी, लंच भी, सब कुछ बिस्तर पे, और डिनर दुबई के सबसे महंगे रेस्टोरेंट बुर्ज अल अरब में। वाओ, अच्छा तो मस्का लगा रहे हो, कल जो लेट आए उसका कॉम्पेंसेशन है ये? डार्लिंग, कुछ भी समझो, अभी तो सिर्फ लंच बनाया है, अभी तो अपने हाथ से खिलाना बाकी है। ओह, सॉरी, मैं टोमेटो केचप लाना भूल गया, जस्ट गिव मी अ मिनट। हां, मैं यूं गया और यूं आया। क्या हुआ इसे? हाय समीर। तुम? हाँ, मैं ऑफिस गई तो पता चला कि तुम छुट्टी पर हो, और घर आई तो देख रही हूँ कि तुम बीवी के साथ रोमांस कर रहे हो। What is this, चेतना? मगर तुम अंदर आई कैसे? समीर, ये चेतना इंडस्ट्रीज की बिल्डिंग है, सबकी ओरिजिनल चाबियां मेरे पास है। पर क्यों? क्यों? बीवी को तो तुमने खुश कर दिया, नाउ वाई डोंट यू मेक मी हैप्पी? समीर, समीर, तुम यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? तुम तो सॉस लेने आए थे ना? वो ऑफिस से फोन आ गया था, कुछ जरूरी काम है। कपड़े निकाल दो प्लीज। ठीक है, निकाल देती हूँ। क्या कर रही हो? रात की खुमारी अभी बहुत परेशान कर रही है। मैं नीचे तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, जल्दी आना। लगता है काफी थक गए हो। हाँ यार, आज ऑफिस में बहुत काम था। मगर जब मैंने ऑफिस में फोन किया था तो पता चला कि तुम ऑफिस में हो ही नहीं। What do you mean? तुम क्या मुझ पे जासूसी कर रही हो? समीर, तुम चिल्ला क्यों रहे हो? अरे चिल्ला इसलिए रहा हूँ क्योंकि तुम बात ही ऐसी कर रही हो। समीर रिलैक्स, मुझसे किसी ने गलत कह दिया होगा, तुम ऑफिस में बिजी हो गए। नहाओगे नहीं? काफी पसीना है, जाओ जाकर नहा लो, मैं खाना लगाती हूँ। बेबी, मैं मैगजीन पढ़ रहा था, आपने लाइट बंद कर दी। I'm sorry, but मुझे बहुत नींद आ रही है, सोने दो। Hey, come on, it's Saturday night, huh? What? तुम्हारा फोन है ऑफिस से। Excuse me. हेलो। हेलो समीर, क्या कर रहे थे? बीवी के साथ रोमांस? यार मैं सो रहा था। तुम्हारी आवाज की ताजगी बता रही है कि तुम बहुत फ्रेश मूड में हो। एक काम करो, आ जाओ। व्हाट? इस वक्त कहाँ? तुम्हारे घर के नीचे, मैं कार में तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। व्हाट नॉनसेंस। हाय।
देखो इस वक्त मैं नहीं आ सकता, समझा करो। नो प्रॉब्लम, मैं ऊपर आ जाती हूँ। वैसे भी चेतना इंडस्ट्रीज के हर फ्लैट में एक गेस्ट रूम तो है ही, मैं तुम्हारी गेस्ट बन जाती हूँ आज रात के लिए। नहीं चेतना तुम रुको, मैं आता हूँ। ओके बाय। वो आस्था ऑफिस से फोन था, कुछ जरूरी काम है, जाना पड़ेगा। तो जाओ ना, जरूरी काम है तो जाना तो पड़ेगा ही ना। मेरे कपड़े निकाल दो प्लीज। ठीक है निकालती हूँ। अंदर भेज दो। यस मैम। समीर तुम्हारी बीवी आई है। व्हाट? उसे मत बताना मैं यहां हूं। हाय आस्था, तुम इस वक्त? व्हाट अ सरप्राइज। समीर कहां है? समीर वो तो मेरे साथ बेडरूम में था, ये सुनकर कि तुम आई हो भागकर बाथरूम में छुप गया। वहां दरवाजे से राइट। समीर ये तुमने क्या किया चेता? उसे अंदर क्यों आने दिया? रिलैक्स समीर रिलैक्स, अपनी एनर्जी बचाकर रखो, घर जाकर तुम्हें अपनी बीवी के बहुत सारे सवालों का जवाब देना पड़ेगा। ये तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया, मेरी शर्ट उतारो। पहले अंदर जाके पैंट तो पहनो। समीर और आस्था का घर तो गया। आस्था, प्लीज दरवाजा खोलो आस्था।
आस्था प्लीज दरवाजा खोलो, मेरी बात सुनो। आस्था जो तुम समझ रही हो ऐसा कुछ नहीं है। आस्था प्लीज दरवाजा खोलो, आस्था आस्था दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो आस्था, आस्था प्लीज दरवाजा खोलो, आस्था प्लीज दरवाजा खोलो, आस्था एक बार मेरी बात तो सुन लो, आस्था आस्था दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो आस्था। आस्था तुम? चाबियां देने आई थी, मैं तुम्हारा घर छोड़कर जा रही हूँ। प्लीज आस्था, आस्था, आस्था। ये हाथ पकड़ने का हक तुमने उसी वक्त खो दिया था समीर, जिस वक्त तुमने मेरा हाथ छोड़कर उस चेतना का हाथ पकड़ा था। आज से तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म समीर, खत्म। आस्था, आस्था। I'll talk to you later. बहुत खुशी मिली होगी ना तुम्हें मेरा घर तोड़कर। आज आस्था मुझे छोड़कर चली गई है। समीर, ये परेशानी की नहीं खुशी की बात है। Let's celebrate. Come on, समीर। ये घर, परिवार, बीवी, बच्चे, ये सब मिडिल क्लास लोगों की मेंटालिटी है, एम्बिशियस लोगों की नहीं। तुम में तेजी है, टैलेंट है, कमी तो सिर्फ एक बात की है, कामयाबी की भूख नहीं है। बीवी तुमको किस लिए चाहिए? खाना बनाने के लिए और बिस्तर पर तुम्हारी थकान दूर करने के लिए? खाना तो मेरा बावर्ची बना देगा और थकान बिस्तर पर मैं दूर कर दूंगी। सच बताओ, बिस्तर पर जो मजा तुम्हें मेरे साथ आता है, वो कभी अपनी बीवी के साथ आया? बीवी सिर्फ रात को रोटी गरम कर सकती है, बिस्तर नहीं। सो बी हैप्पी एंड मेक मी हैप्पी। गुड मॉर्निंग चेतना। गुड मॉर्निंग रुबीना, कम हियर। तुम यहाँ अकेले क्या कर रही हो? क्योंकि बेडरूम में समीर सो रहा है। What? I don't believe it. मतलब समीर ने सचमुच तुम्हारे लिए आस्था को छोड़ दिया? That's चेतना। आज मुझे यकीन हो गया है कि सारे मर्द एक जैसे होते हैं, bloody dogs। इसीलिए इनसे कभी इमोशनल मत होना। मर्द को कभी मजे के लिए इस्तेमाल करो तो कभी फायदे के लिए, जैसे मैं करूंगी अब इस समीर का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए। ये लंबी रेस का घोड़ा है और बिजनेस की रेस में ये हमें बहुत सारे रेसेस जिताएगा। जाओ अंदर से देखकर तो आओ। मित्तल साहब से मिलना है। सॉरी मैम, विदाउट अपॉइंटमेंट मित्तल साहब से कोई नहीं मिल सकता। यस सर। हां, कनेक्ट मी टू फ्रंटलाइन कंपनी। ओके सर। मित्तल साहब। क्या आप कौन बोल रहे हैं? चेतना के राइट हैंड मिस्टर समीर की वाइफ आस्था। मैं आपसे मिलना चाहती हूँ सर। ओके। okay.
आस्था। यस मित्र सर। क्या चाहिए तुम्हें? जब जी सर। प्लीज कम आओ आस्था। हाँ शायद ये कैबिन तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। तुम कल ही से ज्वाइन कर सकते हो ऑन योर टर्म्स एंड कंडीशंस। थैंक यू मित्र सर। थैंक यू। वेलकम। सी यू टुमारो। ओके बाय सर। बाय बाय। मित्तल साहब ये सब क्या हो रहा है? तुमने मुझसे पूछा था ना कि जब चेतना बोलती है तो मैं खामोश क्यों रहता हूँ? जी। क्योंकि वो चेतना नहीं इसका अच्छा वक्त बोलता था। उसने अब एक पतिव्रता पत्नी को ललकारा है। यूं समझो कि आज से उसका पूरा वक्त शुरू हो गया सुरंगी। दो औरतों की इस लड़ाई में जीत हमारी होगी। देखना तो। Congratulations, Chetna. Thank you. Congratulations, Chetna. Thank you. Thank you so much. आज दुबई के टॉप 10 बिजनेसमैन की लिस्ट में चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने पहला महिला होने का सम्मान दिया। चेतना जी कल दुबई के सारे न्यूज़पेपर की हेडलाइन पर सिर्फ आप ही आप होंगे। बहुत बहुत मुबारक हो। Thank you. Well. Congratulations, Chetna. Thank you. आपको यहाँ पर देखकर बहुत हैरानी हो रही है। सोचा तुम्हें दोस्तों के नहीं, दुश्मनों की बधाई की ज्यादा जरूरत है। मुझे सिर्फ अपने दुश्मनों के दुश्मनी की जरूरत है। तुम्हें पता नहीं मित्तल, दुश्मन ही मेरी ताकत है। तब तो मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारे दुश्मन कभी खत्म ना हो। मीट माय न्यू एग्जीक्यूटिव आस्था। Congratulations. Thank you. Sorry, मैं खाली हाथ आई हूँ। पहले सोचा कि मैं बुके ले चलती हूँ, फिर सोचा कि उस पर लिखूंगी क्या। मिस चेतना तो लिख नहीं सकती क्योंकि तुम मिस रही नहीं और मिसेस तो तुम हो नहीं। तुम तो मेरे एक्स हस्बैंड की रखेल हो। अफसोस की बात तो ये है कि हमारी सोसाइटी में रखेल का कोई संबोधन ही नहीं है। Just shut up. अच्छा, रखेल होना बहुत अच्छा लगता है और रखेल सुनना बहुत बुरा लगता है ना? Just get out. वरना क्या कर लोगी? थप्पड़ मारोगी? मुझे थप्पड़ मारने से कोई न्यूज नहीं बनेगी। सोचो, अगर मैंने पलट कर तुम्हें थप्पड़ मार दिया तो इन लोगों के बीच में तुम्हारी इज्जत की कैसी धज्जियां उड़ेंगी और कितनी बड़ी न्यूज बनेगी। कितनी बड़ी? यू बिच। क्या हुआ चेतना? यू ओके? कुछ नहीं, रखेल को रखेल कह दिया तो मैडम को मुझ पर गुस्सा आ गया। ये वास्ता, तुम्हें शर्म आनी चाहिए ऐसी बातें करते हुए। जब तुम लोगों को ऐसी नीच हरकत करते हुए शर्म नहीं आई तो मुझे ऐसी बात करते हुए क्यों शर्म आएगी। एनीवेज बाय चेतना, सी यू।
पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं खून का घूट पी गई और कुछ ना कर सकी। इट इज सो गॉडडैम इंसल्टिंग। यू नो व्हाट, आई एम नॉट गोइंग टू लीव दैट बिच। काम डाउन, आई नो आस्था। ये आस्था नहीं, आस्था की जबान से मित्तल बोल रहा था। वी हैव टू डू समथिंग अबाउट मित्तल। अगर पब्लिक प्लेस ना होती तो मैं उस बिच का गला दबा देती। रिलैक्स, रिलैक्स, काम डाउन। समीर, make love to me. God. हेलो, आस्था बोल रही हूँ। मेरा एक्स हस्बैंड तेरी चादर के नीचे कहीं छुपा होगा, फोन दे उसे। What? समझ में नहीं आ रहा है क्या जो बोल रही हूँ? कि तेरी जबान में बोलूँ? चल फोन दे उसे। हाँ बोलो आस्था। तुम्हारे पापा का फोन आया था, तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे और मैंने सब कुछ सच सच बता दिया उन्हें। सुनते ही उन्हें हार्ट अटैक हो गया। आस्था, तुम्हें मालूम है ना कि पापा हार्ट पेशेंट है, क्या जरूरत थी उन्हें बताने की? वाह वाह, कितनी फिक्र है अपने पापा की। कभी ये नहीं सोचा कि मैं भी किसी बाप की बेटी हूँ जिसे तुमने इस अनजाने शहर में अकेला छोड़ दिया उस कमीनी औरत के लिए। फिक्र मत करो, मैंने तुम्हारे पापा को कुछ नहीं बताया। उस जलील औरत की सेवा से फुर्सत मिल जाए तो वहाँ अपने पापा को एक फोन जरूर कर लेना। समीर, तुम ये सब मेरे बारे में सुन कैसे लेते हो? वो समझती क्या है? तुम उसे कुछ बोलते क्यों नहीं? अरे मैं क्या बोलूँ, मैं क्या तुमसे राखी बंधवा रहा हूँ? वही तो कर रहा हूँ जो वो बोल रही है। चेतना, रिलैक्स। ये इतनी नींद की गोलियां क्यों खा रही हो? इसका तो दिमाग गया। सर। हाँ। क्या ये? चेतना के न्यू प्रोडक्ट के ब्लूप्रिंट्स की फाइल है ये। चेतना इसमें 50 करोड़ दराम इन्वेस्ट कर रही है सर। 50 करोड़? इसके मार्केट में आते ही तहलका मच जाएगा। कम से कम 200 करोड़ दराम का प्रॉफिट होगा। प्रोडक्ट क्या है? चेतना की कंपनी एक ऐसा लोशन तैयार कर रही है जो हेयर फॉल की गारंटीड दवाई होगी। अगर हम इस ब्लूप्रिंट की मदद से एक ऐसा ही लोशन चेतना से पहले ही मार्केट में ले आए तो चेतना को तो नुकसान होगा ही, साथ ही साथ हमारी कंपनी चेतना से आगे निकल जाएगी। तो फिर देर किस बात की? इस प्रोजेक्ट के इंचार्ज तुम हो, लगा दो सारा पैसा और अगर कम पड़ेगा तो मार्केट से उठा लेंगे। इस रेस में हमें चेतना से आगे निकलना है किसी भी कीमत पर। रूबीना, मुझे समझ में नहीं आ रहा इतनी बड़ी और सीक्रेट बात मित्तल तक पहुंची कैसे। चेतना, हमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये हरकत किसकी है। मुझे समझ में आ गया। मेरा सीक्रेट मित्तल को देता है, कितने पैसे दिए उसने तुम्हें? अयो मैडम, क्या बोलते जी, वो दिन के बाद आज तक मित्तल सर को मिले नहीं बोले तो? झूठ बोलता है, झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। चेतना, क्या पागलपन है? तुमने जो किया उसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। आखिर हो क्या जाता है तुम्हें कभी कभी? वो मूर्ति बहुत चिल्ला रहा है और लेबर कोर्ट जाने की धमकी दे रहा है। अगर वो लेबर कोर्ट चला गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, मार्केट में कंपनी की रेपुटेशन बुरी तरह गिर जाएगी। आई हैव कॉल्ड हिम, लेट्स कॉम्प्रोमाइज। ओके, कॉम्प्रोमाइज करना चाहते तो साफ साफ सुन लीजिए, हम तुम्हारे यहाँ नौकरी छोड़ के जाते
और 6 थप्पड़ के बदले में हमको 6 लाख दराम चाहिए। बोले तो 1 थप्पड़ का 1 लाख दराम और साथ में वो तुम्हारा रेड फाइल भी। ओके। दस लाख का चेक मैडम, हमने आपको 6 लाख बोला, ये 10 लाख का ही को? 6 थप्पड़ के बदले तुमने मुझसे 6 लाख मांगे थे ना? हो। तो पता है मैं तुम्हें 10 लाख क्यों दे रही हूँ? काई को मैडम? क्योंकि मैं तुम्हें 4 थप्पड़ और मारने वाली हूँ। आई थिंक यू सिंगल पीस चेतना, तुम्हारी जिद और गुस्सा ही तुम्हारी तरक्की का रीजन है। मैं ऐसी हूँ समीर, किसी भी कमीने के लिए मैं खुद को नहीं बदल सकती। तुम्हारे टॉप पर होने का एक ही रीजन है चेतना, तुम्हारा गुरूर। पता है क्या समीर, मैं दुनिया को अपनी जूती के नीचे रखती हूँ। किसी के सामने झुकने या अपमानित होने से तो अच्छा है कि चेतना मर जाए। You're right. You're just right. हेलो, मैं बोल रही हूँ, आस्था। हाँ, क्यों फोन किया है? सुना है तुम्हारी लाडली चेतना पागल हो गई है, अपनी ही कंपनी के लोगों के साथ मारपीट कर रही है। मुझे लगता है कि उसका दिमाग हिल गया है, इसीलिए मैंने अपनी कंपनी के हेयर लोशन के कुछ फ्री सैंपल्स भेजे हुए हैं। ये बाल गिरना तो रोकता ही है, साथ में उसका दिमाग भी ठंडा रखेगा। चेतना, ये क्या कर रही हो? समीर, हर बार तुम मुझे मत बोलो कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। लीव मी अलोन। समीर, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? रुबीना, चेतना को लेकर मैं बहुत परेशान हूँ, समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ। परेशान तो मैं भी हूँ समीर, लेकिन मैं चेतना को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, वो बहुत जिद्दी है। तुम अपनी वाइफ को समझाओ समीर, वरना वो उसे भी बर्बाद कर देगी। रुबीना, इसी बात का तो डर है, चेतना किसी ना किसी मुसीबत में फंस जाएगी, और अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। रुबीना, तुम उसे अच्छी तरह से जानती हो ना? तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, हम दोनों को मिलकर चेतना को समझाना होगा। ठीक है समीर। वुड यू हेल्प मी प्लीज? यस समीर, आई एम विद यू। तो ठीक है, मौका मिलते ही हम उसे समझाते हैं। अब पैसे भी गए। चेतना के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, आप लोग जाओ, जाओ यहाँ से। मैंने कहा ना, मैं कोई बात नहीं करना चाहता, प्लीज। बट जैसे उम्र दराज आदमी को परेशान मत कीजिए, मैं उस लड़की को याद भी नहीं करना चाहता। मेहता साहब, उसने आपके बुढ़ापे का सहारा छीना है। मेहता साहब, आपको इस नर्क में पहुंचाया है। मेहता साहब बताइए, मेहता साहब बरसों की दबी खामोशी को तोड़िए और बताइए वो सच जो दुनिया में किसी को नहीं पता। मेहता साहब बोलिए, मेहता साहब कुछ तो बोलिए। कब तक खामोश रहेंगे आप, कब तक? कुछ तो बोलिए मेहता साहब। वो चेतना आपके बेटे की मौत की जिम्मेदार है। मेहता साहब बोलिए, मेहता साहब कुछ तो बोलिए। मेरे घर में इन्वेस्टमेंट कराई थी, वो घर का किराया ना देना पड़े और उसका खर्च चलता रहे, इसीलिए उसने मेरे बेटे को फंसाया। नादान था वो, उस मक्कार लड़की को समझ नहीं पाया। और एक दिन जब उसे पता चला कि जिस कंपनी में वो काम करती थी उसके बॉस के साथ उसके नाजायज संबंध थे, तो उसी के दुपट्टे से फांसी लगाकर मर गया। इन्हीं हाथों से उतारी थी मैंने उसकी लाश। इतना ही नहीं,
उसने अपने बॉस को भी मार डाला। मैंने उसकी डायरी पढ़ी थी, उसने सब कुछ अपने नाम करवा लिया। और एक दिन बिस्तर पर उसे इतना पागल कर दिया कि हम बिस्तर होने से पहले ही वो मौत के मुंह में चला गया। मैं ये सब राज जानता था, इसलिए उसने मुझे पागल करार करके इस यहां भिजवा दिया। सही है, ये देखिए अखबार वालों ने मैडम को मैडोना बना दिया है। अरे इतने कपड़े तो मैडम ने बिस्तर में भी नहीं उतारे होंगे जितना कि अखबार वालों ने यहाँ उतार दिया है। हम लोगों से इतनी अकड़ कि गुड मॉर्निंग का जवाब 2 साल के बाद और यहाँ देखो बुड्ढे के साथ 2 मिनट में गुड नाइट कह के कपड़े उतार दिए। क्या बकवास कर रहे, मैडम सुन लेगी तो मार डालेगी। अरे कैसी मैडम, कहाँ की मैडम, जो खुद मर गई हो क्या मारेगी हमको है? अगर उसमें थोड़ी भी शर्म होगी ना तो क्या करो। मैडम आ गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस में गई है। मैडम आ गई। मैडम ये लोग जो आपके बारे में कह रहे हैं क्या ये सच है? एक मिनट। साइलेंस। एक एक करके सवाल पूछिए। मैडम आज सुबह के अखबार में जो न्यूज छपी है क्या ये सच है? हाँ सच है, लेकिन आप लोग इतना हंगामा क्यों मचा रहे? क्या आप लोग सेक्स नहीं करते? मैडम खबर तो ये मिली है कि बुड्ढा अपने बिस्तर पर ही मर गया। हार्ट प्रॉब्लम थी, उसे तो मरना ही था। हॉस्पिटल के बिस्तर पर नहीं मरा, मेरे बिस्तर पर मर गया, इसमें इशू क्या है? नेक्स्ट। मैडम खबर तो ये थी कि एक नौजवान ने आत्महत्या कर ली थी। नौजवान नहीं, ही वॉज माई बॉयफ्रेंड, मेरे ही दुपट्टे से लटक कर मर गया, कमजोर था बेचारा। मैडम आपको कोई अफसोस नहीं? हुआ था थोड़ा सा, कमजोर था इसलिए अपनी जान दे दी, स्ट्रांग होता तो शायद मुझे मार देता। एनीवेज नेक्स्ट। चेतना जी हमने तो ये भी सुना है कि आपने उस बुड्ढे की सारी प्रॉपर्टी हड़प ली। जी नहीं, उसने खुशी से मुझे दी थी, जो खुशी मैं उससे बिस्तर पर देती थी वो उसकी बीवी नहीं दे पाती थी। मैं जानती हूँ कि ये सब मित्तल एंड मित्तल कंपनी के मालिक जयराज मित्तल करवा रहे हैं, लेकिन वो ये बात भूल गए हैं कि जो कांच के घरों में रहते हैं वो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंका करते। क्या आप कहना क्या चाहती हैं, जयराज मित्तल भी? आपको क्या लगता है मिस्टर मित्तल दूध के धुले हुए हैं? कुछ महीने पहले मिस्टर मित्तल ऑस्ट्रेलिया गए थे और वहाँ पर सामने वाली कंपनी का टेंडर पाने के लिए उन्होंने वो पार्टी को लड़कियाँ प्रोवाइड की थी। आजकल मित्तल साहब के नजदीक उनके ऑफिस की एक एग्जीक्यूटिव आस्था नाम की औरत रहती है और सबूत के तौर पर कुछ तस्वीरें हैं मेरे पास। रुबीना, मैं बोल रही हूँ चेतना, आज तुम्हारा फोन नहीं आया तो मुझे लगा कि मैं ही फोन करके तुम्हें पूछ लूँ कि तुम्हारा हालचाल क्या है। ये न्यूज़पेपर में क्या छपा है कि तुम मित्तल की? छी 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 छी, आस्था थोड़ा टेस्ट तो रखा करो, जैसे मैंने रखा है तुम्हारे समीर को रख कर। और मित्तल के साथ छी 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 छी, पर तुम भी क्या करती? लाइफ में जीने के लिए तो ये सब करना ही पड़ता है ना। मैं तो तुम्हें सिर्फ इतना ही कहूंगी कि वेल इंजॉय योरसेल्फ, क्योंकि मैं आज अपने आप को बहुत इंजॉय करने वाली हूँ। अब आगे आगे देखो होता है क्या। यू डोंट नो चेतना, मत आस्था, तुम्हारी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते आस्था। तुम्हारे अंदर की जो आग है ना,
वही तो हमारी ताकत है जिसके भरोसे हम चेतना के खिलाफ ये लड़ाई लड़ रहे हैं। देखो, हमने अगर कीचड़ में पत्थर फेंके हैं तो कुछ छींटे तो हम पर भी उड़ेंगे ना, लेकिन हमें डरना नहीं है, टूटना भी नहीं है। मेरे घर में भी कुछ प्रॉब्लम्स हुई हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचा कर ही रहेंगे। ओके, सो स्टॉप क्राइंग। सिरान एंड डू योर जॉब लेडी। ओके ओके सर। Asa, I'm very sure about our project, yes. Yeah, I know, sir. Yeah. Oh, hi, Chetna. Hello there. अच्छा हुआ तुम मुझे यहीं मिल गई, वरना मैं तो तुम्हें फोन करके बुलाने ही वाला था। अब जब तुमने सबको बता ही दिया है कि मुझे दूसरी औरतों में दिलचस्पी है, तो मैंने सोचा क्यों ना दूसरी औरतों में तुम्हें भी शामिल कर लिया जाए। अब माय गॉड, तुम जैसी औरत मिल जाए तो शट अप। बहुत सुन ली तेरी बकवास। तू क्या समझती है कि मैं तुझे छोड़ दूंगा? आप जरा एक मिनट मेरे साथ बाहर आइए। मैं तुम्हारे साथ बाहर चलने को तैयार हूँ दोस्त, लेकिन इसके साथ तो सिर्फ अंदर ही जाऊंगा। मिस्टर मित्तल। हाँ समीर, बोलो। दोबारा अगर चेतना के बारे में कुछ बोला तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा, याद रखना। याद तो तुम रखना मिस्टर समीर, और चेतना तुम भी। तुमने मुझे बदनाम किया, मेरी इज्जत उछाली। अब देखना मैं तुम्हें किस तरह बर्बाद करती हूँ चेतना। चलिए मित्तल साहब। रूबीना, मैंने सोच लिया है, माइक्रोफोन लगाओ। व्हाट? हाँ, मैंने कहा ना माइक्रोफोन लगाओ। चेतना प्लीज एक बार फिर सोच लो। क्यों, इसके पहले हमने लोगों को मरवाया नहीं है क्या? आस्था को मरना ही होगा। अगर हम उसे अभी नहीं मारेंगे तो आगे जाके वो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है। यही मौका है कि मैं उसे मरवा कर ये साबित कर दूंगी कि उसे मरवाया है मित्तल ने, समझी? Close to her. Move it fast, fast. Take it fast. Come on. Faster. Close to her. More close to her. Hello. आस्था बोल रही हूँ। यहाँ क्यों फोन किया? तुम्हारे जो तुमने गुंडे भेजे हुए हैं, उनका फोन नंबर है तुम्हारे पास? क्या बकवास कर रही हो? कौन से गुंडे? मैंने कोई गुंडे नहीं भेजे। ज्यादा पनो मत चेतना, मैं तो मरूंगी ही, साथ में तुम भी फंसोगी। मैंने अपने वकील के पास लिखित बयान रखा है कि मुझे मारे कोई भी, पर फंसोगी तुम। माइक का नंबर कहाँ है? मेरे मोबाइल में। मोबाइल कहाँ है? पर्स में। तो पर्स लेके आओ ना। पर हुआ क्या है? आई से रूबीना, माइक से बात करनी है, पर्स लेके आओ, फोन लेके आओ। ओके ओके, मैं लाती हूँ। स्टॉप स्टॉप। लो, माइक का नंबर लगा दिया है। कम आउट कम आउट। माइक, उसे मारना मत, आस्था को मारना मत, और वहां से निकल जाओ। Okay. 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 Let's go.
आस्था बोल रही हूँ। कमाल है यार चेतना, कमाल है। मैंने एक बार कह दिया कि मैंने अपने वकील के पास लिखित बयान दे रखा है और तुमने कितनी आसानी से उसे मान लिया। एक बार भी नहीं सोचा कि मैं अपनी जान बचाने के लिए तुमसे झूठ भी बोल सकती हूँ। एक बार बची हो, बार बार नहीं बचोगी। बाय। मीटिंग मैंने आज इसलिए बुलाई है क्योंकि मुझे पता चला है कि एक कंपेटिटिव कंपनी हमारे खिलाफ साजिश रच रही है। Yes? आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। आर यू मैड और व्हाट? हमारे पास आपके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज है। आपने इस गुंडे माइक को पैसे दिए थे आज तक मारने के लिए। व्हाट नॉनसेंस मिस्टर माइक, क्या ये लोग जो बोल रहे हैं वो सच है? No, not at all. Mittal has given me the money. मैंने पैसे दिए आस्था को मारने के लिए। बकवास कर रहा है, झूठ बोल रहा है। देखो माइक, तुम डरो मत। यही बयान तुम अदालत में देना। इन लोगों को तो मैं देख लूंगी। यहाँ आने से पहले तुम ये सब भूल गए कि मैं कौन हूँ। आई एम चेतना। आई विल फिनिश यू ऑल। ये लाइट को क्या हुआ? रुबीना? Yes, चेतना। रुबीना, मैंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला किया है। हम एक तीर से दो शिकार करेंगे। माइक मारेगा आस्था को और फंसेगा मित्तल, क्योंकि दोनों की प्रेम कहानी अभी भी बहुत गर्म है। माइक, ये रहा एडवांस और कल काम हो जाना चाहिए। ओके मैम, द वर्क वुड बी डन। ये वीडियो इतना बड़ा धोखा, यू बास्टर्ड। चुप कर। अरे औरत पर हाथ उठाने का जी नहीं करता, वरना मार मार कर तेरी चमड़ी उधर देता। तुझे क्या लगता था तू अपने गंदे इरादों में कामयाब हो जाएगी? अरे तेरा साथ तो मैंने इसलिए दिया था कि तेरे खिलाफ सबूत इकट्ठा कर सकूं। आस्था और मैं कभी अलग हुए नहीं थे। जिस दिन आस्था ने मुझे तुम्हारे साथ देखा, मैंने घर जाकर आस्था को सब कुछ सच सच बता दिया था। और उसी वक्त मैंने ये फैसला किया कि मैं अपने पति का साथ दूंगी। और तूने ये कैसे सोच लिया कि मैं अपने पति को तेरे चंगुल में अकेला छोड़कर चली जाऊंगी? मेरा नाम आस्था है और आस्था का मतलब होता है विश्वास। और मुझे विश्वास था अपने रिश्ते पर, अपने पति पर और इस मंगलसूत्र पर। तेरा नाम चेतना है और चेतना का मतलब होता है अंदर से जागना। पर तूने सिर्फ उसका एक मतलब समझा, वासना। चाल चलनी तुमने शुरू की थी चेतना, बात हमने थी। ब्लडी, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। चेतना ने ना हारना सीखा है, ना झुकना सीखा है और ना ही टूटना सीखा है। Hey! No, madam, don't shoot. You bitch! समीर, तुम ठीक तो हो ना? समीर, चेतना महारानी की तरह जी है और अगर मरेगी तो भी महारानी की तरह। चेतना ने जिंदगी में पहली बार गलती की, किसी से प्यार कर लिया। घर चलो समीर। हाँ घर चलते हैं। टैक्सी? कहाँ जाएंगे? एयरपोर्ट। सर, आप तो चित्रा इंडस्ट्रीज के मिस्टर समीर है ना? हाँ। तो फिर एयरपोर्ट क्यों? अब हम अपने देश जा रहे हैं, हिंदुस्तान।